अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से कहानी का वक्त। इतना उतावलापन हाँ? हाँ अबू, मैं वाकई आज पैगंबर ईशाक की कहानी सुनना चाहता हूँ। पैगंबर ईशाक अलैह सलाम के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन जितनी भी मालूमात हासिल है मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, और साथ ही मैं तुम्हें पैगंबर याकूब अलैह सलाम की कहानी सुनाऊंगा जो कि उनके बेटे थे। हाँ, क्या आज आप मुझे दो पैगंबरों की कहानी सुनाने वाले हैं? ठीक है, अब बैठ जाओ और गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर ईशाक अलैह सलाम और याकूब अलैह सलाम की। पैगंबर इब्राहिम अलैह सलाम और उनकी बेगम सारा काफी बुजुर्ग हो गई थी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते तीन आदमी नजर आए। दरअसल वो तीन लोग अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुभान ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुभान ताला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं जिसका नाम उन्हें ईशाक रखना चाहिए। उन्होंने पैगंबर से यह भी कहा कि उनका यह बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह सच कैसे हो सकता है, उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुभान ताला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम ईशाक रखा जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। ईशाक अलैह सलाम एक फरमाबरदार बेटे के तौर पर बड़े हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की और जैसा कि फरिश्तों ने कहा था वो अल्लाह सुभान ताला के पैगंबर हो गए। जब ईशाक बड़े हुए तब इब्राहिम अलैह सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे। वो जानते थे कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लिहाजा वो अपने बेटे की शादी होते देखना चाहते थे, लेकिन वो ईशाक की शादी कनानी समुदाय की लड़की से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अल्लाह में यकीन नहीं रखते थे। ईशाक की दुल्हन ढूंढने के लिए एक दिन उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकर को हरन भेजा। पैगंबर के हुक्म की तामीली करता हुआ नौकर कई दिनों तक सफर करते हुए हरन पहुंचा। हरन पहुंचकर नौकर ने इब्न नाहोर की बेटी रबेका को चुना जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैह सलाम के भाई थे, और जैसे कि वालिद की रजा थी ईशाक ने रबेका से निकाह कर लिया। लंबे वक्त तक रबेका मां नहीं बन सकी। ईशाक अलैह सलाम अल्लाह सुभान ताला से औलाद के लिए मन्नतें मांगते रहे और कई बरस बाद उनके यहां जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। ईशाक ने उनका नाम रखा ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ एक मजबूत इंसान के तौर पर जवान हुआ और वो एक अच्छा शिकारी था, लेकिन याकूब ज्यादा अकलमंद था और वो अपने वालिद का पसंदीदा था। अक्सर दोनों भाइयों में लड़ाइयां होती क्योंकि ईसाऊ ये जानता था कि वालिद याकूब को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही वो बड़े होते गए ईसाऊ की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। ईशाक अलैह सलाम बुजुर्ग हो गए थे और उनकी नजर भी कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने ईसाऊ से शिकार पर जाने और गोश्त पकाने को कहा। उनके दरमियान हुई इस बातचीत को उनकी बेगम रिबेका ने सुना और वो अपने बेटे याकूब की तरफ दौड़ी। वालिद की बात सुनकर ईसाऊ शिकार के लिए चला गया। अपने झुंड में से दो सबसे अच्छी बकरियां निकालो, उन्होंने अपने बेटे से कहा, और जैसा तुम्हारे वालिद को पसंद है उस तरह से पकाओ। जाओ जल्दी करो इसके पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए। याकूब ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने कहा था। रिबेका ने
उसे अपने भाई के कपड़े पहनने को कहा और फिर उसकी हाथ और गर्दन पर बकरी का चमड़ा लगा दिया ताकि वो ईसाऊ की तरह लग सके जिसके बदन पर बहुत बाल थे। और फिर याकूब अपने वालिद के कमरे में गया। तुम कौन हो? ईशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका बेटा हूं, याकूब ने भारी आवाज में कहा। उसके वालिद ने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद उन्होंने याकूब को एक बेहतर भाई होने की दुआएं दी और कहा कि वो लोगों की रहनुमाई करेगा। दुआएं लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद ईसाऊ गोश्त लेकर वापस आया और अपने वालिद के कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या है बेटा? पैगंबर ने ईसाऊ के कदमों की आहट सुनकर पूछा। मैं आपकी पसंद का गोश्त लाया हूं। ईशाक अलैह सलाम उलझन में पड़ गए। क्या तुम मेरे लिए एक घंटा पहले खाना नहीं लाए थे? उन्होंने पूछा। मैंने तुम्हें दुआएं भी दी थी। नहीं, कसम से मैं नहीं लाया, ईसाऊ ने कहा। फिर वो जान गया कि उसके साथ याकूब ने धोखा किया है। वो इतना नाराज हुआ कि वो अभी के अभी याकूब को मार डालना चाहता था। जो कुछ हुआ वो सब रिबेका ने देखा। वो याकूब के पास गईं और उन्होंने उसे हरन इलाके में रहने वाले अपने भाई लबान के यहाँ जाने का हुक्म दिया। उन्होंने उसे वहां तब तक ठहरने को कहा जब तक कि उसके भाई का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। याकूब अलैह सलाम ने अपना घर छोड़ा और हरन की जानिब अपना सफर शुरू किया। वो कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। एक शाम को पैदल चलने से वो बहुत थक गए और उन्होंने कुछ आराम करने का फैसला लिया। उन्होंने एक पत्थर अपने सिरहाने रखा और सो गए। और तभी उन्होंने एक कमाल का ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उन्होंने जमीन से जन्नत तक की सीढ़ियां देखी। उन्होंने देखा कि फरिश्ते उन सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। इसी वक्त अल्लाह सुभान अल ताला ने याकूब और आने वाली नस्लों के लिए इस पूरे इलाकों को दुआओं से नवाजा था। जब वो जागे तो खुशी से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि अगर वो महफूज अपने घर वापस लौट गए तो वो वहां अल्लाह सुभान अल ताला के लिए एक मस्जिद की तामीर कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जायदाद का दसवां हिस्सा अल्लाह सुभान अल ताला के नाम करने की कसम खाई। उन्होंने उस पत्थर पर तेल उड़ेल दिया ताकि वो बाद में उस जगह को पहचान पाएं। ये जगह है आज यरूशलम के नाम से जानी जाती है। अगली सुबह याकूब हरन की तरफ चल पड़े। कई दिनों तक सफर करने के बाद आखिरकार वो हरन पहुंच गए। याकूब अलैह सलाम वहां अपने मामा लबान से मिले। उनके मामा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें घर आने की दावत दी। लबान की दो बेटियां थीं, लिया और रेचल। पैगंबर मेहनत से मामा के यहां काम करने लगे। इस दौरान उन्हें मामा की बेटी रेचल से मोहब्बत हो गई। कुछ वक्त बाद उन्होंने मामा से रेचल से निकाह करने की इजाजत मांगी। मेरे लिए 7 साल तक काम करो, उन्होंने कहा, और तब मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा। पैगंबर उनकी शर्तों पर राजी हो गए। याकूब अलैह सलाम ने बहुत मेहनत की और लबान के यहां बरकत आ गई। 7 सालों के बाद मामा ने दावत का इंतजाम किया और लोग शादी के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन मामा ने एक शातिर चाल चली और उनकी बड़ी बेटी लिया का याकूब से निकाह करा दिया। लिया की नजर कमजोर थी और वो बदसूरत थी। याकूब को हकीकत का पता सुबह चला। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो मामा के पास गए। आपने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने लबान को कहा। मेरी मंगनी रेचल से हुई थी और आपने मेरा निकाह लिया से करा दिया, उनके मामा ने कहा। हमारे यहां बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी करने की रवायत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। अगर तुम रेचल से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें और 7 साल काम करना होगा और फिर मैं तुम्हें उससे शादी करने दूंगा। याकूब अलैह सलाम ने अगले 7 सालों तक बहुत मेहनत की और फिर उनका निकाह रेचल से हुआ। एक शख्स का 2 बहनों से निकाह करना गलत नहीं माना जाता था, जैसा कि तोरा में जिक्र किया गया है।
लबान ने दोनों बेटियों को एक एक नौकरानी तोहफे में दी। लिया की नौकरानी का नाम जिल्पा था और रेचल की नौकरानी का नाम बिल्हा। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। अरे नहीं, अभी सुनाइए ना अब्बू, अभी सुनाइए। अरे ये तुम्हारे सोने का वक्त है। मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। ठीक है अब्बू। क्या तुम सवाल के लिए तैयार हो? बिल्कुल। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर तीन फरिश्ते क्यों आए? वो उन्हें ये बताने आए कि उनके घर जल्दी एक बेटा आएगा। माशाल्लाह, ये सही जवाब है। पैगंबर इशाक अलैहिस्सलाम की बेगम का नाम क्या था? मैं ये जानता हूँ, वो रबेका थी। फिर एक बार सही। पैगंबर इशाक के बेटों के नाम क्या थे? वो थे ईसाव और याकूब। अरे वाह, फिर से सही। अब मुझे बताओ, ईसाव याकूब से नफरत क्यों करता था? ईसाव उनसे नफरत करते थे क्योंकि वो उनके वालिद के चहेते थे और अल्लाह ने उन्हें अगला पैगंबर चुना था। बिल्कुल सही। हरन में रहने वाले याकूब के मामा का नाम क्या था? क्या वो लबान थे? फिर एक बार सही। याकूब ने कितने वक्त तक लबान के लिए काम किया? पहले उन्होंने 7 साल काम किया और फिर अगले 7 साल काम किया, पूरे 14। पैगंबर ने लबान के लिए 14 साल काम किया। लबान की बेटियों के नाम क्या थे? वो लिया और रेचल थी। माशाल्लाह, तुमने सारे जवाब सही दिए। आज के लिए इतना ही, मैं कल तुम्हें एक और पैगंबर की कहानी सुनाऊंगा।